क्या नाम है आपका? काट लेगा कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, काट ले कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा आपको टीटी इंजेक्शन लगवाना है बस, और कुछ नहीं। लो बेटा इधर से आप आए, अजगर नहीं है, नहीं घोड़ा पछा, घोड़ा पछा, घोड़ा पछा, रेड स्नेक, इंडियन रेड स्नेक। पकड़ लो भैया, मैं ये तो मान के देखता हूँ अभी कितनी है। पलंग भैया, ये साथियों ये भी काफी बड़ा बिग साइज का रेड स्नेक है। डरना नहीं है, डरना नहीं है। लो जबरदस्त है, डरना भैया जोड़ा है, इस साथ तो बहुत दिन से देख रहे हैं क्वालिटी के। ये देखो कितना बड़ा सांप बड़ा भाई है, ये भी नॉन पॉइजनस है, बिना जहर वाला। अच्छा, ये भी तो हाथ खा लिए नहीं कभी, समझ रहे हो? मतलब तो कोबरा होता है, ये हाथ खा सा पैर होते उसका मुंह पकड़ती है। और क्या बताए थी आप, इसकी पूंछ भूल कर हम लोग आ गए होंगे, हमें ऐसा लगा। आ जाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत वेलकम। के बारे में फिर से बताना चाहूंगा आपको कि ये रेड स्नेक हिंदी में धामन और कहीं कहीं घोड़े पछाड़ के नाम से जानते हैं, और ऐसा अंधविश्वास है कि इसकी पूंछ में कांटा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कांटा नहीं होता, ठीक है। और ये इसका पसंदीदा खाना है चूहा, चूहा ये चूहे खाने की तलाश में, और फिलहाल तो गर्मी पाने की तलाश में
ये घरों के अंदर आ जाते हैं। फाइनली साथियों हम इन सांपों को रिलीज कर रहे हैं। मौसम काफी अच्छा है और मौसम के चलते इन विजवानों को आजाद ना किया जाए तो क्या हो, क्या किया जाए। कैद किसी की अच्छी नहीं रहती साथियों। ये बहुत बहुत बड़े दो दो इंडियन रेड स्नेक, एक मिनट, काफी बड़े हैं, काफी बड़े बड़े स्नेक। हाँ जोड़ा है, ये मादा है, ये नर है, इसमें देख लीजिए। चलो ये लक्की भाई हमारे साथ सीखना चाह रहे हैं और इनको हम सिखा के भी रहेंगे। तो लक्की भाई इधर रिलीज करके आइए आप, और इधर भी हम इसे रिलीज करते हैं साथियों। ये बिना जहर वाले सांप है, डरो मत लक्की भाई, डरो मत यार। छोड़ दो छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, बस 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 छोड़ दो, चले जाएंगे इसको भी हम काफी रिलीज कर रहे हैं। जाओ गया घोड़ा बच्चा काफी बहुत जाइए, घोड़ा बच्चा सांप है, सांप है। बताओ क्या जानते हो? और इंडियन रेड स्नेक सांप है ये, तो घोड़ा पता हमने अभी ये रिलीज किया है, तो हम अतरौली पेट चौराहे से पकड़ के लाए थे इसे, गामखेड़ा चौराहे से, गामखेड़ा चौराहे से, तो हमने यहाँ रिलीज कर दिए ये। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मैं सेवक कुमार वोदिया नमस्कार जोहार आवार अभिनंदन सत श्री अकाल और गर्व से कहेंगे वंदे मातरम मातरम जय हिंद साथियों। चलो भैया तो साथियों फाइनली मैं इस स्नेक को रिलीज करने आ गया, क्योंकि आज मौसम साफ है और बड़ी मुश्किल से मुझे मौका मिला है कि इस सांप को मैं रिलीज करूं। मैं भी यही सोच रहा था कैसे भी करके ये सांप रिलीज हो जाए यहाँ से। ये सांप साथियों मैंने ग्राम नहल से पकड़ा था, उसके बाद मौसम ख़राब हो गया और मौसम के चलते मैं इस सांप को रिलीज नहीं कर पाया। तो साथियों फ़िलहाल मैं इसी सांप को रिलीज कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक जंगल है पास में ही, गाँव के पास में, तो वहाँ पर मैं इसे रिलीज कर रहा हूँ, क्योंकि एक मेरे आगे भी मजबूरी बन जाती है कि मैं इसे ऐसी ठंड में नहीं छोड़ सकता। आज मौसम साफ है उसके कारण मैं स्नेक को रिलीज कर रहा हूँ, ये जा रहा है। और साथियों किसी भी अंधविश्वास में ना पड़ें, अगर सांप काट ले सीधा हॉस्पिटल जाएं। और ये देखिए बच्चे भी आ गए हैं, यहाँ पर गाँव नज़दीक है तो इस वजह से बच्चे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस सांप से किसी को कोई खतरा नहीं है। और ऐसी वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए साथियों। हर एक अपडेट आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। तब तक के लिए जोहार आभार अभिनंदन सत श्री अकाल और गर्व से कहेंगे वंदे मातरम जय हिंद साथियों।